गाइस कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल तड़का रिएक्शन। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट पे लाजमी बताएं और 1000 सब्सक्राइबर जो है वो जल्दी जल्दी कर दें यार, जल्दी कर दें यार। तो आज का जो वीडियो हमारी, कौन सा वीडियो जी? बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जी आज का। और आज का जो वीडियो है, वेज फूड ब्रेकफास्ट एट सुख सागर इंडियन वेज फूड। मोशी भाई का जो वीडियो है, मोशी भाई इंडिया में हैं और मजे मजे के व्लॉग्स आ रहे हैं, यार व्लॉग्स बनाते हैं। बिल्कुल, तो आज देखते हैं उनका ये वाला व्लॉग, मजे आने वाला है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। चलो भाई, पहले तो ओए हो यार, पूरी इतनी सॉफ्ट है ना। केसरी भात कहते हैं, कोको चिप कुकीज होते हैं, कोकोनट के साथ हर चीज अच्छी लगती है। तो पकड़ लेंगे ना वो भैया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैंने कहा नाश्ते हमेशा डिनर और लंच इवनिंग में हम जाते हैं। तो अभी हम आए हैं सुख सागर, प्योर वेज रेस्टोरेंट है भाई। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अब तो आइडिया हो गया, जितने हमने खाबे छापे खा लिए हैं हमें आइडिया हो गया है कि क्या मिलता है वेज में। लेकिन ये जगह जगह जहाँ मैं बेंगलोर में गया हूँ ना, तो जगह जगह बने हुए हैं। तो हमने कहा यार यहाँ पे चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आपको रिव्यू बताते हैं। तो अच्छा भाई, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे भाई, जिस तरह कर रहे हैं, मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये जो भाई हैं ऐसे कैसा है? ठीक है, ठीक है। ये अच्छा है, ये कह रहा है अच्छा है। क्या नाम है? नितीश कुमार। नितीश कुमार अगर अच्छा ना हुआ तो पकड़ लेंगे तुम्हें। अच्छा चलते हैं, फिर आपको बताते हैं अंदर कैसा है। आ जाए भाई, आए हैं तो ये बड़े पुराने आ रहे हैं यहाँ पे, इनको खाने शाने का पता है। तो भाई हम पहली दफा आए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, क्या खाना खाया, क्या है फेवरेट? सर इधर फेवरेट पुलाव अच्छा मिलता है। पुलाव? पुलाव, वेज पुलाव। मसाला डोसा बड़ा फेवरेट डिश है यार, खाने को दिल करता है। और मतलब पूरा टेस्ट जामुन दोपहर के टाइम बहुत देते हैं। मस्त टेस्ट आता है सर इधर, एकदम भाई मस्त है, एकदम खाने के लिए अच्छा लगेगा इधर। तो खाते हैं और अगर अच्छा लगा इनको अच्छा लगेगा सर, दाँत देंगे। नहीं अच्छा लगा तो फिर पकड़ लेंगे मैं वो भैया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का मजा ही अपना है। लो भाई यहाँ आए हैं तो मैंने कहा मसाला डोसा भी कर ले यार, मतलब इतनी वेज चीजें हैं, इसके बहुत रिव्यूज हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा भाई एक दफा फिर सुख सागर का भी हो जाए। तो बेसिकली उल्टा हुआ हुआ है ये देखें भाई, मसाला डोसा आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि उसमें आलू की ये होता है भुर्जी टाइप, ये कैसे उन्होंने मसाला लगाया हुआ है। ये वैसे रियल मसाला डोसा लग रहा है, साइडों पे मसाला भी लगाया है। इसको थोड़ा ट्राई करेंगे, ओए होए गरम गरम है ये, थोड़ा सा ये लिया साथ में, ओए होए मेरी फेवरेट कोकोनट चटनी, ओए ओए होए। अब मैं भी मसाला डोसा का रिव्यू कर सकता हूँ, 10-15 खा चुका हूँ, मुझे पता है अच्छे कैसे होते हैं, नॉर्मल कैसे होते हैं और बस पास कैसे होते हैं। ये वाला नो डाउट भाई टॉप नॉच वाला है। तो जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं, साथ में ये सांभर डालते हैं। मतलब अगर मैंने 15 दफ़ा खाया है ये टॉप 3 और 4 में, बहुत अच्छा है। जब भी ये सुख सागर आए डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा भाई, हलवा पूरियाँ बड़ी खाई हैं
सारी जिंदगी खाई है। यहाँ उस तरह से चने हलवा पूरी नहीं मिलती, ये तो पाकिस्तान में छोले पूरी मिलती है बहुत ज्यादा, हमारे पाकिस्तान के फेवरेट नाश्ते में खाई जाती है पूरी और ये सांभर कोकोनट चटनी। तो यहाँ पे इस तरह हलवा पूरी चने नहीं मिलते, तो या तो पूरी के साथ कोकोनट चटनी, ये सागू है, ये सारे लगते एक जैसे ही है, सांभर रसम सागू, लेकिन टेस्ट में बड़े अलग अलग होते हैं। तो साथ में हमने एक अपना टच बनाने के लिए लाहौरी टाइप ये सूजी, ये उपमा है तो इसको मीठा उपमा कहते हैं, बेसिकली ये सूजी का बड़ा ही मजेदार हलवा होता है। तो हम क्या करेंगे, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का भी होता है, कलर्स जो मर्जी डाल दें आप। थोड़ी ऑयली है लेकिन भाई बहुत सॉफ्ट है, क्वालिटी पता लग रही है, 20-25 साल से तो खा रहे हैं। तो कोकोनट चटनी के साथ सागू के साथ पहली दफ़ा पूरी, ये सागू है, अच्छा ये थोड़ा थिक है, सागू जो है ना एज़ कम्पेयर टू वो रसम और वो थोड़ा थिक है, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, देखते हैं खा के। वो चने के साथ खाइए, आज तक पहली दफ़ा ये सागू के साथ खा रहा हूँ, अब समझ ये नहीं आ रहा इसका टेस्ट पूछना पड़ेगा, मेरे ख्याल दालों को घोटा हुआ है और उस तरफ से बन गई। तो अब एक कोकोनट के साथ खा के देखते हैं, कोकोनट चटनी जैसे मैंने बताया भाई मेरी ऑलवेज फेवरेट है, तो अनबिलीवेबल पूरियां पराठे इनका कॉम्बिनेशन किसी के भी साथ चल जाए तो नो डाउट इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। और अब अपना जो बचपन का एक वो है हलवा, हलवा बेसिकली उपमा है, यहाँ पे इसको मीठा उपमा कहते हैं यार, ये बहुत अच्छा, इसको भाई अभी उन्होंने करेक्ट किया है, केसरी भात कहते हैं, उपमा मुझे लग रहा था मीठा है लेकिन ये केसरी भात है। तो ये देखिए यार बहुत ही सॉफ्ट है और इसकी ऑयल भी ज़्यादा नहीं है उस तरह से कि बह रहा हो, और बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड हो। ये देखिए मैंने इस तरह पूरी के साथ तोड़ा है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, ये खाते हैं पूरी के साथ हम ये खा रहे हैं। मिठास इसमें बिल्कुल परफेक्ट, ज़्यादा नहीं कम नहीं, और जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसे कई दफ़ा होता है बहुत पतला होता है, कई दफ़ा होता है बहुत हार्ड होता है। आप देखें किस तरह इन्होंने किया हुआ, हल्का सा मैंने यूँ किया टूट गया ये, तो ज़बरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट मैंने आज तक जो देखी है कंसिस्टेंसी है तो बहुत आला। अब हमने जो लेजेंडरी एक कॉम्बिनेशन है जो चनों के साथ खाते हैं, इनके सागू के साथ खा के देखेंगे, फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई करने लगा हूँ, हलवा लगाया थोड़ा सा साबुन लगाया, देखते कैसा लगता है। यहाँ चने मात देंगे इस साबुना में डिश को, अगर आपने केसरी भात के साथ खा बहुत अलग मजा आ गया ये नाश्ता करके। अच्छा भाई पहले जब ये आए मैंने कहा ये कोई वो नहीं कोको चिप कुकीज होते हैं वो है, वही लग रहे हैं ये देख, लेकिन भाई ये है सूजी वड़ा, सूजी वड़ा खाते हैं टेस्ट करते हैं, इस तरह चार पीसेज में देते हैं कोकोनट चटनी के साथ, तो ऐसे जैसे सूजी की टिक्कियाँ होती हैं उस तरह के हैं, अंदर से देखें प्याज व्याज भरी हुई है इसमें, ये देखें प्याज है, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, और इसको कोकोनट के साथ खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। कोकोनट के साथ हर चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा करने जो हम अपने मीठी वो सूजी की टिक्कियाँ खाते हैं, खाई होंगी अंडे सूजी, इसको नमकीन कर लें और उसमें थोड़ी वेज डाल लें, अच्छा है। अगर लाइट किसी ने खाना है, किसी ने ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खानी, और तो ये फ्राई है लेकिन बहुत ही लाइट है, पता नहीं ये फ्राई भी हैं कि नहीं बेक किए हुए, तो ये देखिए बहुत ही ड्राई है, ज़रा सा भी नहीं फील हो रहा कि इसमें कोई ऑयल है, तो अगर कोई लाइट चीज़ फ्राई करनी है तो ये सूजी वड़ा मेरे ख्याल है बुरी ऑप्शन है। अच्छा भाई वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैसे डोसा हर जगह खाते हैं, इडली भी मैंने कहा एक तो बहुत तरह की होती है, ये सिंपल सादा सबसे प्लेन इडली है, तो जिस तरह ये पता चावलों का मिक्सचर होता है उसको ग्राइंड वगैरह करके आटा सा बना के, तो ऐसी एक बड़ी सॉफ्ट सी बन की तरह ये चीज़ बना देते हैं जिसको इडली का नाम दिया गया, बहुत ही सॉफ्ट होती है और गर्म गर्म अच्छी लगती है। इसको भी हम कोकोनट चटनी और सांभर के साथ खाएंगे, तो अच्छा इस कोकोनट चटनी में अलग बात ये है जो मैंने अभी नोट की है कि बाकियों से ये पतली है, ये देखिए अब ये मुझे अभी नोट की है मैंने कि जो इडली के साथ बेसिकली ये चटनी दे रहे हैं ये एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी आइटम्स थी जिस तरह ये है, ये देखिए ये ठीक है, ये देखिए और ये देखिए,
इसकी क्या रीजन है ये मुझे पता नहीं है, खा के देखते हैं। तो इडली थोड़ी तोड़ी भाई हमने, हाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ गई। तो इसको हम कोकोनट में डिप करेंगे, साथ में सांभर के साथ थोड़ा डिप करेंगे। और अभी तक हमने इडलियाँ खाई थी, डिफरेंट उसमें फ्लेवर्स दिए हुए थे और सॉस डाले हुए थे। ये प्योर जो इडली है जो साउथ इंडिया की मेरा ख्याल है जान है वो हम खा रहे हैं प्लेन, बड़े ही लाइट सी, भूख भी मिट जाती है और हैवीनेस भी फील नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत फेमस चीज़ है। तो मेरा ख्याल है वो जो फ्राई चीज़ें पराठे शराठे हम खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, जो अभी खाई थी उससे बेहतर है ये चीज़। अच्छा भाई ये है खारा भात। तो खारा बेसिकली हमारे वहाँ नमकीन पानी को कहते हैं, खारा पानी, तो यहाँ पे भी खारा का मतलब नमकीन है। तो भाई आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कोई आलू की टिक्की को ऐसे शेप बना के दिया हुआ है, और इसमें भी जो कोकोनट चटनी है वो पतली वाली है। तो खारा भात खा के देखते हैं कैसा है, फिर आपको बताते हैं। अच्छा भाई ये सूजी का बेसिकली बना हुआ है, ये आलू लग रहा था लेकिन ये आलू नहीं है, ये सूजी है। और बाकी कमेंट्स में आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मेल्ट होके फैला हुआ है। तो ये हमने एक निवाला लिया, साथ में इसकी भी जो कोकोनट चटनी है वो पतली वाली है, तो कोकोनट चटनी ली। बिल्कुल एक सूजी के हलवे का एक लग रहा है नया टेस्ट। सूजी के हलवे में आप मीठा ना डालें और डिफरेंट वेजिटेबल्स कट करके डाल दें तो वो ये बनेगा। ये देखें खारा भात, ये भी बड़ा लाइट सी फील आ रही है, ऐसे कोई फ्राई आइटम नहीं है। और ये देखें ऐसे जिस तरह एकदम ही मोटी चूर का लड्डू फैल जाता बिल्कुल देखें वैसे, ये देखें ऐसे कर जाता है। तो इसको आप कोकोनट चटनी के साथ यूँ डिप करें, ओए होए होए यार ये बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अलग का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है टेस्ट में। बहुत ही मुश्किल हो रही है बताने में किस चीज़ के साथ रिलेट करेंगे, इनके अपने ही टेस्ट बहुत मज़ेदार। अभी तक जितनी भी चीज़ें खाई हैं उसमें ये मुझे सबसे एक तो मीठा ज़्यादा मीठा, क्योंकि मीठा भी ज़्यादा नहीं खा सकते। जो भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आए वेज ये लाजमी ट्राई करें, तो यहाँ के लोग हैं वो तो रोज़ ही खाते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और सुख सागर वालों का बहुत ही फेमस चीज़ है ये, लाजमी ट्राई। लो भाई इंडिया में कहीं पे भी हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, एंड चाय से ही होता है। तो साउथ इंडिया में चाय बहुत ही फेमस चीज़ है, इनमें हर जगह हर छोटे बड़े ढाबे रेस्टोरेंट कहीं भी जाओ चाय मिलती है। चाय तो हर जगह है, खाने की बस बनती है। यहाँ पे मैंने जितनी भी जगह पी है अभी तक कप में किसी ने चाय नहीं दी, ऐसे ग्लासेस में देते हैं। ये देखें खूबसूरत लग रहा है, और इनका साइज तो फिर भी ठीक है, यहाँ यहाँ इतने छोटे छोटे नॉर्मल ग्लासेज में देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 100 ml होगी, नॉर्मली आपको 50 ml तक मिलती है। चाय का टेस्ट करते हैं, मैं नॉर्मल एक चाय का वो चेन चाय वाला नहीं हूँ, चेन स्मोकर टाइप की चेन चाय ड्रिंकर नहीं, लेकिन मुझे पसंद है चाय, और ज्यादा गर्म नहीं पीता मैं, लेकिन बहुत ही गर्म बिल्कुल उबलती भी दी है जिससे गुड। भाई ये जितनी इसमें मिल्की है ये देख सकते हैं आप कि मिल्की भी परफेक्ट है और कड़क भी परफेक्ट है, ऊपर से झाग बनी हुई है। चाय जो शौकीन है उन्हें पता है ये जो झाग होती है ये असल निशानी होती है उसकी, एक एक वाइब बनाने की, एक इन्वायरमेंट बनाने की चाय का जो है बहुत अलग। हल्की हल्की ऊपर मलाई भी जम रही है, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक और सिप लेंगे, परफेक्ट है मीठा, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। बस मेरे जैसे बनने के लिए थोड़ी सी ये कम गर्म हो तो मैं मज़े से पूरी पी सकता हूँ, लेकिन अभी ज़रा वीडियो में भी टाइम हो रहा है, हमने आगे भी एक जगह पे जाना है। तो जी बड़ा मजे का वीडियो था, और मुशी भाई ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना फूड्स को बड़ा जबरदस्त था, इडली मसाला डोसा, उसके अलावा चाय, हलवा पूड़ी, और वो कुकीज टाइप थी जो, हाँ, कुकीज टाइप थी, हाँ वो जो वो बड़ा एक सस्पेंस था, सस्पेंस था कि वो क्या चीज़ है। मजे का यार वीडियो था, और फूड उन्होंने जाके एक्सप्लोर जैसे वो कर रहे हैं ना इंडिया में, बड़ा अच्छा वीडियो उनका लगता मुझे, और उनको भी बड़ा मजा आ रहा है और हमें भी बड़ा मजा आ रहा है उनके वीडियोस देख के। और यार ये सारे खाने देख के मेरी तो आंखों में पानी आ रहा था, आंखों में के मुंह में पानी आता है, आंखों में थोड़ी आता है खाने को देख के पानी। तो जी कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।